हिमाचल चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि टिकट न मिलने से कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेताओं को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस ने इन नेताओं को चुनाव से हटने के लिए 2 दिन का समय दिया था, लेकिन कोई भी नेता चुनाव से हटने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिस पर कांग्रेस ने 7 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस प्रभारी सुशील कुमार शिंदे के निर्देशों पर हिमाचल कांग्रेस ने इन नेताओं पर कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे प्रत्याशियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इन बागियों को चुनाव से हटने के लिए दबाव बनाया, लेकिन नामांकन वापसी के आखिरी तिथि तक इन नेताओं ने अपने नामांकन वापस नहीं लिए। कांग्रेस ने इसके बाद भी इन बागियों को 2 दिन का समय दिया, और लेकिन रविवार तक यह नेता चुनाव से हटने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके चलते कांग्रेस ने इन नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाते हुए इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।